जनपद बुलंदशहर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें, महिलाएं भिखारी बनकर दिन में रेकी किया करती हैं, जिसके बाद गिरोह के पुरुष सदस्य घरों में लूट और चोरी और डकैती की घटनाओं को अंजाम देते हैं। लूट, डकैती और चोरी करने वाले गिरोह के 7 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सदस्यों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं। गिरोह की महिला सदस्य ने भीख मांगकर लूट, चोरी और डकैती के लिए मकानों को चिन्हित कर लिया था, जिसके बाद घटनाओं को लगातार अंजाम दिया गया। चिन्हित मकानों को गिरोह के पुरुष सदस्य निशाना बनाकर लूट और डकैती किया करते थे। बुलंदशहर के सयाना और खानपुर अमरोहा के हसनपुर में गिरोह ने लूट, डकैती और चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। गिरफ्तार गिरोह के सदस्यों से पीली और सफेद धातु के गहने, 48,000 रुपए, 4 तमंचे और 7 कारतूस बरामद किए गए हैं। बुलंदशहर से धर्मेंद्र कुमार निगम की रिपोर्ट।